अंग्रेजी दवाई और दूसरों की लुगाई आदमी पर तुरंत असर करती है साहब। आज की रोटी कुछ मोटी है। ओह नो। बाहर बर्गर खाने के लिए तो इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर रोटी और बीवी दोनों पतली चाहिए। सब कहते हैं साफ कहना सुखी रहना, इस चक्कर में मैंने भी दो चार बातें घर में साफ साफ कह दी। अमेजिंग। अब घर में महाभारत शुरू हो गई। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम बीवी है ना, कभी अपनी गलती नहीं मानती हो। मानती तो हर रोज अपनी गलती मानती हूँ। कौन सी गलती मान ली तुमने? यही कि गलती कर दी मैंने आपसे शादी करके। बेबी ये आपका फोन इतना भारी क्यों है, उठ ही नहीं रहा। क्या नाटक कर रही हो, उठ तो रहा है। तो पिछले 1.5 घंटे से कॉल कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो? आपको पता है हर लड़की का ड्रीम होता है कि उसके हस्बैंड में वो सारे गुण हो जो उसके डैड में है, और आप तो सेम मेरे डैड की तरह हो। अच्छा, वो भी घर के सारे काम कर लेते हैं। सुनो, अगर आपको कोई लड़की फ्लाइंग किस करे तो आपको कैसा लगेगा? है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी आलसी लड़कियाँ। यार ये सब छोड़ो, हम ना एक गेम खेलते हैं। अबे क्या गेम है यार, तुम कोई बच्ची थोड़ी हो यार। अरे मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आपको बहुत मजा आएगा। आप ये सोचो कि हमारी शादी अगर आपस में ना हुई होती तो हम किससे शादी करते। आपको ना इस कॉपी में लिख के बताना है और मैं इसमें लिखूंगी, फटाफट से लिखो। A few moments later. मेरा हो गया। पहले ना आप मेरा वाला पढ़ो। कुछ भी हो मैं तो आपसे ही शादी करती। अब मैं ना आपका पढ़ती हूँ। अरे बेबी क्या जरूरत है, मैंने तुम्हारा पढ़ लिया ना, एक ही बात है, मैंने भी यही लिखा है। नहीं, नहीं, अरे नहीं, मैंने नहीं, भी यही लिखा। चुप करो, मुझे पढ़ने दो। तुम्हारी छोटी बहन शालिनी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जया, तुम्हारी मौसी की बेटी प्रियंका, तुम्हारी बेंगलोर वाली कजिन रिया और अपनी पड़ोसन मिसेस गुप्ता। बाहर निकल गए। मैं मजाक करूंगा।